हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो सिंस लास्ट यस्टरडे भी मैंने अपलोड नहीं किया था मेरा वीडियो, तो आज दोनों दिन का कवर कर लेंगे। सो टुडे इज 26th ऑफ अगस्त, सो वील कवर 25th एंड 26th अपडेट्स टुगेदर इन दिस डेली मार्केट अपडेट वीडियो। मैं हूँ सीताराम, मार्केट स्टार अल्गो का एडमिन। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है यहाँ पे, तो ये था 25th ऑफ अगस्त का डाटा। तो 25th ऑफ अगस्त का चार्ट कुछ ऐसे बन रहा था जो कि मार्केट खुलने के तुरंत बाद ही ऊपर जाना चालू हो गया। ऊपर जाने से ओब्वियसली हमारे पास उतना ज़्यादा, जैसे कि लास्ट थर्सडे भी मैंने बोला था, ऑन थर्सडे वी डोंट हैव मच प्रीमियम टू डिफेंड, तो यहाँ पे हमारा कॉल का स्टॉप लॉस कटा था। अब मार्केट फिर से नीचे आया, तो नीचे आने के बाद हम फिर से जो हमारे लेग्स जो कटे हुए थे उसको फिर से जनरेट किया। अब रीजनरेट करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया। सो ऑल दीज वोलेटाइल मूव्स वे हैव हैपेंड ऑन द डे ऑफ मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी जो होता है थोड़ा सा तो इस टाइप का रहता ही है, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड थिंग। अब ये सारे मोमेंट्स के बावजूद, ये सारे मोमेंट्स होने के बाद भी हमारे कुछ, जैसे कि आपको पता है मेरे पोर्टफोलियो जो है मार्केट स्टार का पोर्टफोलियो में 1.3 CR कैपिटल डिप्लॉयड है, वहां पे कुछ 1.1 लाख का लॉस हो गया था आफ्टर ऑल दिस टाइप ऑफ मोमेंट। अब ये सब होने के बाद भी क्योंकि इट वाज एन एक्सपायरी डे, तो हमें जो प्रीमियम इरोजन मिला था यहाँ घूम फिर के जब 230 के आसपास हो रहा था ये कैंडल के आसपास, तो हमारे पास कुछ 70,000 का प्रॉफिट हो गया था। 1,10,000 का लॉस को हटा के 70,000 का प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, ग्रुप में भी आपने देखा था कि मैंने लिखा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग 50,000 प्रॉफिट एटलीस्ट, दो करेंट लॉस इज वन मोर देन 1 लाख। ओके, सो इट हैपेंड एंड बाय 2:30 इट वाज एट -75,000, सॉरी +75,000 प्रॉफिट अराउंड। बट आफ्टर दैट हुआ क्या, देखो 240 के आसपास में जो कैंडल फॉर्मेशन हो वहां तक सब कुछ सही था, पर यहाँ से जो, सॉरी 225 तक सब कुछ सही था, 230 वाला जो कैंडल बना है, 348 to 2, ये जो 120 पॉइंट्स का एक कैंडल बना एंड फॉलोड बाय जो गिरा मार्केट, कुछ कहने को नहीं है। जो +70,000 तक आ गए थे, मतलब 0.5% तक का प्रॉफिट में आ गए थे हम लोग, दोबारा घूम फिर के 0.25% के लॉस में एट दी एंड क्लोज होना पड़ा। इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। एक्सपायरी डे में अगर ऑप्शन सेलर्स पैसा नहीं कमाएगा तो कमाएगा कब? इट हर्ट्स। बट दिस इज हाउ द मार्केट वॉज आफ्टर सो लॉन्ग कंटिन्यूस गेन्स इन द ऑगस्ट, सो दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी वॉज एक्सपेक्टेड। ऑन टॉप ऑफ दैट द वर्ल्ड मार्केट फिगर्स आर नॉट करेक्ट। एफईडी मीटिंग इज वॉज ड्यू ऑन फ्राइडे इवनिंग दिस टाइम, नॉट वेडनेसडे इवनिंग। यूजली वेडनेसडे इवनिंग होके पूरा खराब कर देता था एक्सपायरी, दिस टाइम द एफईडी मीटिंग इज वेटिंग ऑन फ्राइडे इवनिंग। सो थर्सडे अच्छा नहीं गया फाइनली। तो जो हमारा समरी अगर आप देखोगे, सो दिस वॉज द समरी 25th ऑफ अगस्त का अगर समरी दिखाऊं, सो दिस वॉज द समरी ऑफ 25th ऑफ अगस्त, जहां पे कि इंडेक्स वोलेटाइल वैक्सीन, एनी वे एज द नेम सजेस्ट, इंडेक्स वोलेटाइल वैक्सीन, निफ्टी वोलेटाइल वैक्सीन, इंडेक्स अलोन सर्वाइवर, ये सारे स्ट्रेटेजी सर्वाइव कर गए, पर काफी सारी स्ट्रेटेजी सरवाइव नहीं कर पाए, जैसे कि प्रीमियम मीटर्स फ्लैट में क्लोज हुए, स्पेशली दो ओटीएम हेज वाली स्ट्रेटेजी जो है बैंक निफ्टी मनी माइनर, तो दैट आल्सो कुडंट एबल टू सरवाइव। तो काफी झटका लगा, कुछ अच्छे भी किए एंड इट वाज ए 0.3% इज नॉट टू बैड, बट एनीवे एज आई सेड कि अगर ऑप्शन सेलर एक्सपायरी के दिन नहीं कमाएगा तो कब कमाएगा? ओके, सो विद दैट हैवी हार्ट वी क्लोज्ड आवर डे ऑन थर्सडे विथ 31,000 लॉस ऑन 1.3 CR कैपिटल, सो इट वाज अराउंड 0.25% लॉस। नाउ विद दिस हैवी हार्ट, ये दर्द को सहन करते हुए हम जब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद आज का दिन कैसा था? तो आज का दिन व्हाट आई वाज थिंकिंग, इट वाज ए शॉर्ट एक्सपायरी अगेन। ओके, क्योंकि वेंसडे गणेश चतुर्थी का छुट्टी है, तो इन दिस वीक वील हैव ओनली
फोर वर्किंग डेज। ओके, सो इन फोर वर्किंग डे आज का जो स्ट्रडल प्रीमियम था, आज का स्ट्रडल प्रीमियम कुछ 750 के आसपास खुला था। तो 750 कंसिडरिंग फोर वर्किंग डे विथ वीक्स एट 18 अराउंड, सो आई थॉट इट विल बी सुपर कूल डे फ्राइडे। फ्राइडे के दिन अच्छे खासे प्रॉफिट में निकलेंगे। मॉर्निंग सोस द डे जिसे कहते हैं, सो द मार्केट खुला जब आज सुबह फ्राइडे, आज सुबह खुलते ही प्रीमियम इरोजन चालू। वी गॉट वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इरोजन, वी गॉट 0.4% अराउंड प्रॉफिट विद इन हाफ एन आवर ऑफ द मार्केट ओपनिंग। ओके, बट आफ्टर दैट क्या हुआ? देखिए, ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर से ऊपर गया। सो दीज आर ऑल फेवरेबल मूव फॉर अस, दीज वेर फेवरेबल मूव फॉर अस। सो बाय 10 AM हमारे पास ऑलरेडी 0.5% प्रॉफिट बन गए थे। बट कंसिडरिंग दिस वॉज ए short expiry, 4 days expiry, and considering this was a good premium, the good entry premium, whatever we have received, I was thinking it could be a very good Friday with good amount of profit. पर हुआ क्या? मार्केट ने कुछ, बैंक निफ्टी ने कुछ 450 का गिरावट देखने के लिए मिला। 39,336 से it came down till 945, almost 400 point, and with that 400 point where our strategies, semi directional strategies were gone naked with the put, put ko kaat ke, kyunki itne itna zyada girne ke baad put ko to katna hi tha. Okay, so after cutting the put leg, it was holding the call leg and trying to recover the loss amount, and suddenly what happened, ye jo 39,945 ka jo low bana tha, and again it started moving up around 300 points. ओके, अराउंड 270 पॉइंट्स अराउंड इट हैज मूव्ड। तो वहां पे हमारा पुट तो लेग कट ही गया था, कॉल को हम नेकेड होल्ड कर रहे थे, दोनों तरफ से लॉस हो गया। तो दोनों तरफ से लॉस होने के बाद भी इतना भी नहीं कि मतलब, यूजुअली वी नो इन यूसेफ रिकवरी और बीसेफ रिकवरी मार्केट्स वी मेक लॉस, बट स्टिल आवर स्ट्रेटेजिस्ट हैव मैनेज्ड टू हैंडल द सिचुएशन प्रीटी वेल। अगर आप आज का समरी देखोगे तो आज के समरी में उतना ज्यादा झटके लगे नहीं, जैसे कि निफ्टी वोलेटाइल वैक्सीन ने दोबारा अच्छा परफॉर्म करते हुए 0.5% का रिटर्न दे दिया है। इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 4.8% तक आ गया है। सो इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ सुपर काइंड ऑफ लॉस डे, बट स्टिल जैसे कि कल 0.3% का लॉस हुआ था, आज भी 0.3% का लॉस हुआ है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे, हमारे फ्रंटलाइन स्ट्रेटेजी कौन से होते हैं, हमारे फ्रंटलाइन स्ट्रेटेजी इंडेक्स प्रीमियम इटर, इंडेक्स वोलेटाइल वैक्सीन, देन इंडेक्स अलोन सर्वाइवर। सो ये तीनों स्ट्रेटेजी जब प्रॉफिट नहीं दे पाए तो कहां से हम प्रॉफिट निकालेंगे? तो इंडेक्स अलोन सर्वाइवर तो एंड में चलो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे भी दिया, बट इन इंडेक्स प्रीमियम इटर एंड इंडेक्स वोलेटाइल वैक्सीन इट हैज मेड लॉस। Because of that, our overall portfolio on 19.7 lakhs, we had only 6.93 amount of loss, but it was a red day for us. अगर हम broker terminal की बात करें, तो broker terminal में again on 1.3 CR of capital, again हमको 0.3% around का loss फिर से हुआ है. Okay, so this was the update till yesterday and today's update. Now what we should expect for the next coming week? Coming week में देखो event तो close होने वाला है, मतलब FED का जो भी result आ रहा है, considering इसको काफी ज़्यादा heavyweight माना जा रहा है, the coming आज रात को जो FED का जो भी outcomes आने वाला है, so market will definitely expecting some bigger kind of volatility on Monday. But whatever will be the volatility, anyway we are entering on Monday at 9:25. So mostly I am expecting by 9:25 the volatility, whatever the spikes will be there, that will be neutralized or neutral हो जाएगा, और जब हम entry करेंगे ठीक ठाक हमको profit मिल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन भी है, इसका अगर मान लो कि मंडे को मार्केट रिएक्ट करके बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी होता है, देन ऑल्सो कंसिडरिंग अब अगर देखोगे अभी का प्रीमियम 38,987 का स्पॉट क्लोजिंग है, सो लेट्स चेक 39,000 का अगर आप अगर पुट एंड कॉल का जो है टोटल प्रीमियम अगर देखोगे, तो टोटल प्रीमियम इज मोर देन 700 नाउ, 720 अराउंड। तो 720 और दिन कितने हैं? ओनली मंडे ट्यूसडे थर्सडे, तो तीन दिन में 720 प्रीमियम आर टू हाई।
अर्थ हुआ है, तो जो भी हमारे ओवरनाइट पोजीशन से ओवरनाइट पोजीशन फॉर द टाइम बिंग तो ठीक ठाक चल ही रहे हैं, मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा और प्रॉफिट मिलेगा ओवरनाइट में, एंड प्रीमियम शुड स्टार्ट एट 680 670 अराउंड द स्टार्टर प्रीमियम, जो कि प्रॉफिट देना चाहिए। इवन इफ मंडे अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगा फिर भी हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, बाकी मार्केट की मर्जी है क्या होता है। ऐसे सीरीज ऑफ 4-5 दिन अच्छा नहीं गया, पीपल वेर फीलिंग लिटिल बिट लो, तो डेफिनेटली ऐसा ऐसा तो रहेगा नहीं। जैसे कि लंबे प्रॉफिट के बाद 4-5 डेज लॉस आया है, तो 4-5 डेज लॉस के बाद अगेन प्रॉफिट आना ही आना है, दैट इज द साइकिल ऑफ द मार्केट। सो नो नीड टू वरी एट ऑल, वी आर स्टिल अबोव 5% गेन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। अगर नेक्स्ट ऑगस्ट के एंड तक नेक्स्ट 2 डेज में भी अगर और 1-1% आ जाते हैं, तो इट विल बी ए वेरी गुड 6-7%, इट विल बी ए वेरी गुड मंथ। ओके, बाकी लेट्स सी व्हाट मार्केट एक्सपेक्ट्स। सी यू देन इन द नेक्स्ट वीक मंडे। हैव ए गुड वीकेंड विथ योर फैमिली एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। ओके, बाय बाय।